शेर। भाई यहाँ पे भी एक यहाँ खड़ा हुआ है, बड़ा प्यारा लग रहा देखने में, प्यारा लग रहा है। भाई टोपा टोपा पावर का। देखो सेटअप, देखो मोटो व्लॉगिंग की जगह याक व्लॉगिंग की सेटअप देख सकते हो। तो बाकी आगे से पनक भाई हमारी वीडियो, तो गाइस पीछे देख सकते हो अपने हिडिंबा देवी टेंपल जो कि खतुरगज की मम्मी का है। एक चीज और दिखाते हैं स्पेशल भाई, यहाँ के खरगोश चेक करो भाई कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और जिसको हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हमेशा आप देख रहे हैं राइडिंग पॉइंट हैशटैग #1। तो गाइस आ गए हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो जो वीडियो होने वाली है अपनी मनाली ट्रिप की थर्ड सीरीज, तो इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं गाइस, इसमें हम कवर करेंगे हिडिंबा देवी टेंपल और जो यहाँ की मार्केट है लोकल वो करेंगे कवर। बाकी यहाँ का जो व्यू है गाइस, पहले वो आपको चेक कराते हैं रूम का। तो ये होने वाला भाई अपने बालकनी का व्यू, तो कितना ही प्यारा और तगड़ा व्यू आ रहा है। तो इससे पहले गाइस देख सकते हो नीचे अपनी बाइक्स भी लगी हुई हैं, तो चाहे दोनों बाइक यहाँ पे हमने खड़ी कर दी है सेफ पार्क। और बाकी हम सब रेडी हो चुके हैं, अपना नाश्ता भी हो गया। और अपना बादल भाई कहाँ पे है, ये रहा भाई, भाई भी हमारा पूरा रेडी हो गया फुल ऑन मोड में। तो भाई हमारे हम गए थे थोड़ा सा व्लॉग अपलोड करने, बाकी थोड़े और काम था हमें वो गए थे। और बादल उतने देर नहा धो के फ्रेश एकदम भाई गर्म पानी से, और हमारी तो हालत ख़राब हो गई ठंडे पानी से। लेकिन हम जब तक नहाए थे तब तो फिर से गर्म पानी आ गया, तो हम नहा लिए। अब हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने, भाई देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, या तो पैराग्लाइडिंग करेंगे या पर मुझे तो डर लग रहा है जो ऊपर पता चला पेट में लग गया। भाई पैराग्लाइडिंग क्या होता है, ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है इसके ऊपर से धक्का दे देते हैं और पैराशूट से आते हैं नीचे भाई, बड़ा पता चलेगा पेड़ में डक गए हम। बाकी अभी देखते हैं कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे, एटीवी राइड हो गई और पैराग्लाइडिंग जिप लाइन, और बाकी याक की सवारी जरूर करेंगे गाइस, वो दिखाएंगे आपको कितना मजा आने वाला है ऊपर जाके, बहुत ज्यादा भाई। तो ऊपर जाके याक की सवारी जरूर करनी है हमें। बाकी आर्यन भाई रेडी हो नहीं हो, याक की फुल रेडी आप, याक राइड याक की हमारी राइड ना करते नहीं पता चले भूख लग गया तो भाई हमारे अंदर सिंह डाल दे और हम दिल्ली पहुंच जाए सीधी। भाई मोटो व्लॉग तो बहुत देखे आज हमारा, आज हमारा याक व्लॉग देखोगे आप भाई खतरनाक वाला। बाकी भाई कुछ हो ना हो हमारे रूम की बालकनी का जो व्यू है ना एक नंबर है। आर्यन भाई कैसा व्यू आ रहा है यहाँ का, भाई व्यू आप देख सकते हो सारे पहाड़ी पहाड़ हैं हर जगह, भाई चारों तरफ पहाड़ हैं। और भाई इन पहाड़ों में खाना खाने का जो मजा है ना अलग ही है, नेक्स्ट लेवल। जो हमने कल आपको दिखाई था हमने 300 रुपए की मैगी खाई भाई, इतनी ऑफर्स देख लो आप 300 रुपए की मैगी, आप सोच सकते हो कि हम कितने अमीर है फुल। भाई देख लो कौन बोल रहा है, चार चार मैरिज होम वाला बंदा ये चीज बोल रहा है 300 रुपए की मैगी। भाई पक्के वाले बनी है हमारे आर्यन भाई, और इनके पापा तो इनसे भी तगड़े वाले। तो गाइस बाकी चलते हैं अभी, शोम भाई रेडी हो रहे हैं और फिर मिलाते हैं शोम भाई से, उसके बाद चलते हैं अपने हिडिंबा देवी टेम्पल। तो गाइस फिलहाल रेडी वेडी होके हम निकल रहे हैं हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए, और मैं और बादल थोड़ा सा झूला भी झूल रहे हैं। तो गाइस फिलहाल हमने डिसाइड किया हम जाएंगे पैदल पैदल हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए, और अपनी बाइक को आज यहीं छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बाय बाय पांडा एंड लायन, तो बाकी चलते हैं गाइस आगे को और अपने शुभम भाई कहाँ हैं भाई। तो गाइस फिलहाल अभी तक तो आपको शुभम भाई कहीं देखने को मिले, तो क्योंकि वो कहाँ हैं भाई, कहाँ थे टाइम से। क्या था कि मैं नहा रहा था और भाई का चैनल पर व्लॉग आ चुका है लाइव, भाई जाके देखो क्या कर रहे हो। और भाई मेरे चैनल पर व्लॉग 2 बजे आएगा, तो प्यार दिखा देना दोनों को अच्छा सा। हाँ और एक चीज़ और, आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे भाई, देख नहीं रहे थोड़ा, देखो यार प्यार दिखाओ यूट्यूब वालों, यार क्या कर रहे हो, मतलब इतनी दूर आ गए पैसा खर्चा करके आप लाइक क्यों नहीं कर रहे, समझो। और शुभम भाई आज क्या करने वाले हम, आज का प्लान शेड्यूल थोड़ा सा मुझे भी नहीं पता, बट फिलहाल का प्लान मैं बता दूँ, आज हम जा रहे हैं हिडिंबा देवी टेम्पल जो कि यहाँ से ऊपर है, ऊपर की तरफ चढ़ाई पर। पनक भाई जा रहा है अपनी बाइक से क्योंकि उसका थोड़ा इशू हो गया था, बट दैट्स ओके कोई बात नहीं। पांडा जा रही है आज भाई, पांडा हम छोड़ के जा रहे थे, पांडा के ऊपर बियर बैठा। जब से हम पांडा को छोड़ के जा रहे थे यहीं पे, लेकिन फिलहाल अपने पनक भाई लेके जा रहे हैं इसको पांडा को ऊपर, क्योंकि इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, इनको तबीयत सी खराब है, हार्ट बीट काफी तेज हो गई। गुड बाय गया,
तो अभी जा रहे हैं अपने पांडा को लेके, और हम जाएंगे पैदल पैदल क्योंकि यहाँ से काफी पास है। मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस अभी हमने हिडिंबा देवी टेम्पल ट्रैक स्टार्ट कर दिया, तो ट्रैक गाइस कुछ इस तरीके का है, देख सकते हो काफ़ी ऊपर तक हमें पैदल पैदल जाना है। और यहाँ एक चीज़ की दिक्कत है गाइस, वेदर की वजह से ना थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है ऊपर। बाकी यहाँ पे चाय कॉफ़ी है। अभी हमने स्टार्ट किया था, हमारी ऐसी हालत हो रही है बाकी भाई नीचे गिरने का पूरे पूरे चांस है। साइड में चले, सांस लेने में दिक्कत रही, बोलना नहीं जा रहा ना। तो गाइस चलते अभी धीरे धीरे ट्रैक का मजा लो। तो फिलहाल गाइस सबका सांस चढ़ गया है, हल्का सा चढ़ने में थोड़ा सा ही, अभी हमने ट्रैक कवर किया लेकिन ऊपर नीचे सांस हो रहा है। भाई शुभम कैसा एक्सपीरियंस है आज का? बाद में बताऊंगा भाई, ये बताने कोई मूड में नहीं। 4 किलो हवा अंदर ले लूं जरा। बादल सांस आ रहा है, बादलों में जा रहा हूं। बादल भाई बादलों में जा रहा है, उसका सांस पता नहीं कहां आ रहा है। तो भाई ऊपर का व्यू चेक करो सबसे पहले तो ये, और बादल फुल ट्रैकिंग के मूड में। ये हमारी अकेले की नहीं, सब क्या है, हालत खराब हो रही है फिलहाल तो। भाई और यहाँ का जो व्यू है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है। अभी हम भी इधर चलेंगे और थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट करेंगे। तो चलते हैं भाई, काफ़ी ट्रैक कवर कर लिया और होने वाला है फिलहाल, पूरा होने वाला है क्योंकि हमारे होटल से थोड़ा पास में ही था। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे, और इस वीडियो में भाई हम आपको ना याक राइड दिखाएंगे क्योंकि पांडा राइड भी कर ली, लायन की, अब याक राइड करने वाले हैं और दिखाते भाई आपको याक कहाँ पर है। तो अपने पास भाई ये चेक करो भाई, ये अपना याक खड़ा है। और अभी हम थोड़ी देर में राइड करने वाले हैं याक राइड, देख सकते हो कितना ही प्यारा लग रहा है भाई। ये चार तरफ याक ही दिख रहे हैं। तो बाकी भाई यहाँ इधर देखो क्या याक का व्यू होने वाला चारों तरफ का। टेंपल से पहले का भाई सारा व्यू है। तो अभी चलते गाइस इधर की साइड और दिखाते हैं आपको अंदर जाके यहाँ का। भाई यहाँ पे भी एक याक खड़ा हुआ है, बड़ा प्यार लग रहा है देखने में, पांडा की तरह भाई, पूरा पांडा लग रहा है आदमी। तो इधर थोड़ा सा डांस वगैरह हो रहा है शूट। तो फिलहाल गाइस हम मंदिर के आस पास आ चुके हैं, मंदिर सामने अपने ये है हिडिंबा देवी टेम्पल। तो यहाँ पे भी लाइन है काफी, तो जब तक हम तो भाई बाकी तो बहुत कुछ अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाते हैं स्पेशली भाई, यहाँ के खरगोश चेक करो भाई कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और जिसको भी फोटो वगैरह क्लिक करानी है, 30 रुपीज़ दे के फोटो भी क्लिक करा सकते हो। याक भी देख लिया और रैबिट भी देख लिया, बाकी मार्केट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी हुई हमें, देख सकते हो भाई हैंडमेड काफ़ी चीज़ें, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, और सामने भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बाकी गाइस मंदिर के ऊपर आ चुके हैं हम मंदिर तक, और बाकी ये हिडिंबा देवी टेंपल, और चेक कर सकते हो भाई यहाँ पे काफ़ी लाइन लगी है दर्शन के लिए। ये भाई व्यू चेक करो यहाँ का, भाई व्यू देखो यहाँ पर कितना ही प्यारा आ रहा है। तो गाइस पीछे देख सकते हो अपने हिडिंबा देवी टेंपल जो कि खतुरगज की मम्मी का है, तो वहाँ हम आ चुके हैं। और बाकी यहाँ जो जो भाई आपने देखा ना अंदर अंदर हिडिंबा देवी जी की, तो गाइस फिलहाल हमने हिडिंबा देवी टेंपल के दर्शन कर लिए अच्छी तरह, और आपको भी दिखा भाई कितना प्यारा टेंपल है। बाकी वो हिडिंबा देवी का टेंपल है, तो उसमें तू चले जाओ, मैं बैठूंगा। जितने भी हेड लगे हुए ना भाई रियल एनिमल्स के, जो कि यहाँ बलि दी जाती है, तो अभी दर्शन करके हम नीचे आ चुके हैं। और 50 रुपये तो गाइस अभी हमने टेंपल के दर्शन कर लिए, और अब हम करने वाले हैं याक राइड। तो चेक कर सकते हो भाई अपने पनक भाई याक पे बैठ चुके हैं, हम करेंगे भाई याक राइड। पनक भाई के बाद बादल का नंबर है, बादल भाई
बैठना चाहते हो ए, तो बादल भाई बैठना चाहते हो क्या भाई? बादल भी पूरे मूड में, तो पनक भाई का बादल फिर मेरा नंबर है, तो मिलते हैं इस ब्लॉग में आगे जब मैं राइड करूंगा। तो भाई पनक भाई फुल राइड कर रहे हैं, याकी तो देख सकते हो भाई पीछे, और मुझे भाई ठोकर आ रही है कहीं मैं उड़ी जाऊं। तो देख सकते हो भाई कितना मजा आ रहा है पनक भाई को। बाकी ये चेक करो एक साइड को जाओ भाई, पनक भाई फुल मूड में भाई, मजा आ रहा है याक राइड करके। तो अभी तक आपने हमारी मोटो व्लॉग तो बहुत देखे, बाइक राइड देखी, आज याक राइड भी चेक करो। तो बाकी पनक भाई राइड कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे याक राइड, तो अपनी भाई सामने भी चढ़ जाएगा ऊपर ही भाई। तो वैसे अभी बादल का टर्न आ चुका है, हमने आर्यन भाई ने भाई ब्लैक याक की राइड करी और बादल करने वाला है व्हाइट याक की। तो भाई देख सकते हो बादल का भी बादल भाई बैठ गया, चलो चलते गाइस, अभी बादल का भी नंबर आने वाला है। तो बादल की राइड पूरी, उसके बाद भाई हम राइड करने वाले हैं। तो गाइस फिलहाल हम भी याक पे आ चुके हैं अपनी याक राइड। देखो सेटअप, देखो मोटो ब्लॉगिंग की जगह याक ब्लॉगिंग सेटअप देख सकते हो। तो बाकी आगे से पनक भाई हमारी वीडियो शूट करेंगे अब। तो फिलहाल गाइस अपनी याक राइड हो चुकी जो अभी आपने देखा, और बाकी हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया, और अभी हम कहाँ पे आए वो व्यू चेक करा दे भाई, बहुत प्यारा, बहुत मज़ा आया याक राइड करने में भी। बाकी अभी हम कहाँ गए चारों तरफ चेक करो गाइस, कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है। और दूसरा तो बादल मजा आया भाई, बढ़िया भाई मजा आ गया मुझे और बादल को यहाँ पे नेचर में घूम के ना, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस। देखो ऊपर, देखो भाई ऊपर चेक करो, देख रहे हो भाई ये पेड़ वेड़ देख रहे भाई, अलग ही फीलिंग आ रही है भाई। जिसको भी आना है मनाली जरूर आना लाइफ में, और जाओ कहीं जाओ या मत जाओ मनाली जरूर आना, पेड़ बहुत लंबे लंबे। बाकी चलते गाइस हिडिंबर देवी टेम्पल के, अपने दर्शन भी हो गए और चलते अभी नीचे। तो गाइस फिलहाल हम नीचे आ चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में, और उसके बाद कहाँ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे माल रोड, जो वहाँ पे मार्केट है वो सारी मार्केट कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे भाई वहाँ का फेमस कौन सा फूड है, डिम डाम भाई, वहाँ का एक फेमस फूड है डिम डाम, वो दिखाएंगे गाइस। तो ब्लॉग में बने रहो, मिलते हैं आपसे आगे रात को मार्केट में। और भाई तो फिलहाल गाइस हम आ चुके हैं टेस्टी बाइट पे, और सांचे भाई के साथ, सांचे भाई के साथ, और जहाँ हमने सुबह खाना खाया था, और आज हमने हिडिंबर देवी टेम्पल कवर कर लिया। बाकी अब हम जा रहे हैं, खाना वगैरह हमने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद जाएंगे माल रोड, जो कि आपको हमने पहले ही बताया था। तो अभी करेंगे हम माल रोड कवर, और आपको दिखाएंगे फुल मार्केट क्या क्या वहाँ पे मिलता है, और डांस भी करने वाले भाई, भाई अपने शुभम भाई भी डांस करके दिखाएंगे भाई। चरमा प्याज के साथ ही काम चला रहे हैं बस, ये देखो भाई अपना खाना लग चुका है पूरा, जिसको चरना है वो प्याज चर सकता है, बाकी चटनी है। तो मिलते हैं सबसे माल रोड मार्केट में। तो फिलहाल गाइस हमने माल रोड एंटर कर दिया है, और ये यहाँ की मार्केट जो माल रोड की मार्केट है फेमस, वो ये है सामने, आगे आगे इधर। इधर देखो भाई काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन अलग ही अलग है, इधर वॉच वगैरह मिल रही है और हैंडमेड कपड़े काफ़ी चीज़ें भाई मिल रही हैं, यूनिक यूनिक सी तो सारे भाई। इधर भाई पूरा गर्ल्स वेयर है, और आगे जाके काफ़ी अच्छी मार्केट है, और इधर सब में खाने पीने का, और ये है यहाँ की मार्केट। अभी आगे जाके इतनी भीड़ होगी ना हम ब्लॉग भी नहीं शूट कर सकते। हाँ तो अभी ये कुछ ही नहीं है अपने, लारे पैसा दे मैं तेरे वास्ते नाची रे ले
ला मेरे को भी दे, मैं भी नाचा भाई अलग ही सीन है आगे देख सकते हैं भाई हमारे सांचे भाई का डांस सारे भाई आ चुके फुल मार्केट में मजे लेने ये टोपा भाई टोपा टोपा पावर का भाई पूरी मस्ती चल रही है तगड़ी वाली अपनी वो पाजी पाजी तो भाई जब यहाँ तगड़े वाले सीन होने वाले मार्केट में आगे जाके भाई बहुत तगड़ी वाली तोड़ेंगे आगे ले जाके नाम है हाँ तो गाइस फिलहाल हम माल रोड घूम के अपने रूम में आ चुके हैं और भाई आज देखा आपने कितनी ज़्यादा तो देखा गाइस आपने कितने ही अलग वाले सीन थे आज हमने याक राइड भी करी और हिडिंबा देवी टेम्पल में घूमे भाई याक राइड करने मज़ा आ गया मेरे को और बाल भाई 200 रुपये में मज़ा आ गया याक राइड करके और उसके बाद अभी हमने आपको माल रोड दिखाया और भाई बढ़िया था जरूर आना मनाली गाइस भाई कहीं जाओ ना जाओ मैं बोलता हूँ ना मनाली जरूर आना और बाकी माल रोड में भाई एक से अच्छी चीज मिल रही है देखने को और जितना बजट है तो भाई पूरा माल रोड खरीद लो अगर ज्यादा बजट है तो नहीं ज्यादा बजट के हिसाब से घर बिक जाएगा बहुत महंगी चीज भाई तो गाइस चलते हैं मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में जब तक के लिए बाय पानी रखो।